चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जो कानपुर देहात से, जहां शिवली कोतवाली क्षेत्र के बीआरसी भवन संदिग्ध परिस्थितियों में बीआरसी भवन में आग लग गई। आग लगने से बीआरसी भवन में रखे स्कूली बैग और किताबें जलकर खाक हो गई। बेसिक शिक्षा के दफ्तर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस तरीके से खबर सामने आई है, जहां पर कानपुर देहात में, जहां शिवली कोतवाली क्षेत्र में बीआरसी भवन में संदिग्ध परिस्थितियों में बीआरसी भवन में आग लग गई और आग लगने से बीआरसी भवन में रखे स्कूली बैग और किताबें जलकर खाक हो गई। बेसिक शिक्षा के दफ्तर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भयंकर तरीके से यहां पर आग लगी है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से वहां पर एक बेसिक शिक्षा में जो आग लगी है, किस तरीके से वहां का माहौल बना हुआ है। देखिए निधि, बिल्कुल बता दूं, शिवली कोतवाली क्षेत्र के मेहता ब्लॉक में बीआरसी भवन था, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी, क्योंकि लगातार होली के त्योहार के मद्देनजर तीन दिनों की छुट्टी चल रही है। 7, 8 और 9 मार्च लगातार छुट्टी के दिन थे और इसी छुट्टी के बीच ये संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। सूचना यह भी थी कि वहां पर बच्चों की किताबें, बैग वगैरह रखे थे, वो भी वहां पर जल गए। और एक मामला और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसी कार्यालय से जुड़ा, कि 163 शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं गायब थी और इस आग को इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या था? अब ये छुट्टी खत्म होने के बाद कल इस पूरे मामले की जांच होगी और इसके बाद ही निकल करके सामने आएगा कि क्या कुछ सच्चाई थी। जी, जिस तरीके से आप दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ के पूरा आप उसका मामले की जांच परख कर रहे हैं, तो क्या कुछ चीजें सामने आई आपके मुताबिक? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आग लगी थी, सबसे पहले तो नजर दमकल विभाग वहां पर पहुंचा और क्षेत्रीय जो लोग थे वो केवल पहुंचे हुए थे, उन्होंने आग पर काबू पाया। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी है और इस छुट्टी के बीच वहां पर न तो कुछ जांच और पड़ताल किसी तरह की कोई चीजें नहीं हुई है। जाहिर तौर पर कल से जब प्रशासनिक अवकाश खत्म होगा और इसके बाद से इस पूरे मामले की जांच होगी। और एक तो मामला हमने बताया कि 163 शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं गायब होने की बात है, हालांकि उस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह का मामला तो कोई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो सेवा पुस्तिकाएं दूसरी भी बनाई जा सकती हैं। अब इन दोनों मामलों में कितनी समानता है, क्या कुछ है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी जी गौरव शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।